हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे 2 कप चावल के आटे से बिल्कुल नए तरीके का और कलरफुल टेस्टी पापड़। ये पापड़ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और मार्केट से भी अच्छा पापड़ आप इसे घर पर बना के तैयार कर सकते बिना किसी मोड़ के। अगर आपको ये पापड़ की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर दिन ऐसी नई नई रेसिपी फ्रेंड देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड बनाना शुरू करते हैं। तो इस पापड़ को बनाने के लिए यहाँ पर आपको लेना है 2 कप चावल का आटा। आटा लेने के बाद इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर नमक और थोड़ा सा डाल देंगे बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। इससे आपके पापड़ बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे। यहाँ पर आप नॉर्मल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है। इसका सॉफ्ट आटा आपको बना के रेडी कर लेना है। ये देखिए तो कुछ इस तरीके का आप यहाँ पर सॉफ्ट आटा रेडी कर लीजिए और इसके बाद यहाँ पर आटे के थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे 3 अलग अलग कटोरी में निकाल लेंगे क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं इसके कलरफुल पापड़। तो पहले मैं यहाँ पर 3 अलग अलग कटोरी में हम इसे निकाल लेंगे और ये देखिए इसके बाद मैं यहाँ पे इसमें कलर ऐड करूँगी। तो पहले वाले कटोरी में यहाँ पे ऑरेंज कलर डाल रही हूँ और दूसरे वाले मैं यहाँ पे डाल दूँगी येलो फूड कलर। आप अपने मनपसंद के कलर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे तीसरे वाले मैं यहाँ पे ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ ये देखिए। और बस कलर डालने के बाद इस पर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि कलर अच्छे से इस आटे में मिक्स हो जाए। और बस इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। आप स्पून से भी अच्छे से मिक्स कर सकते पर हाथों से मिक्स करने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये देखिए अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया। इसी तरीके से सभी को अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेना है। अब ऐसे मैं यहाँ पे येलो वाला भी रेडी कर लेती हूँ पर आटा आपको बिल्कुल सॉफ्ट रेडी करना है ताकि आप इससे पापड़ को बहुत ही ईजिली बना सकें। आटा टाइट रहेगा तो बनाने में थोड़ी सी परेशानी होगी, इसलिए देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने यहाँ पे आटा को बढ़िया सा स्मूथ कर लिया था कलर डाल के। और इसके बाद यहाँ पे पापड़ को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके की पॉलीथीन सीट ले ली ये देखिए। और इस पॉलीथीन के अंदर मैं यहाँ पे इस बैटर को डाल दूँगी देखिए पापड़ वाले को। तो पहले मैं यहाँ पे ग्रीन वाला इस मिक्सर को इसमें डाल रही हूँ पापड़ के। और बस इसी तरीके से सभी पॉलीथीन के अंदर हम इसे ऐसे रेडी कर लेंगे ये देखिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने पहले ही पॉलीथीन को इस तरीके से कट कर लिया था ये देखिए। तो ये बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से हम सभी को ऐसे फिल करके तैयार कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे ऑरेंज वाला मिक्सर डाल रही हूँ पापड़ का ये देखिए। तो आपके घर में कोई भी पॉलीथीन रखी हो दूध का पैकेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पापड़ को बनाने के लिए। तो ये देखिए बिना किसी मोड़ के ये पापड़ बनके तैयार हो जाता है। आपको कोई भी मोड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पापड़ को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने इस तरीके का ये नॉर्मल पेपर ले लिया है ये देखिए। इस पेपर पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था तो पेपर हमारा ये पूरी तरीके से बटर पेपर बन गया है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं यहाँ पर पापड़ ये देखिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं पापड़ के डिज़ाइन बना रही हूँ जलेबी जैसी ये देखिए। अगर आपको और भी कोई डिज़ाइन आता हो तो आप उस हिसाब से आप पापड़ को बना सकते हैं पर ये डिज़ाइन देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर पापड़ को बना लेती हूँ ये देखिए। देख सकते हैं कितना ज़्यादा इजी है इसे बनाना। ये देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है जब ये पापड़ सूख के तैयार हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और फ्राई होने के बाद इसका जो साइज होता है बिल्कुल डबल हो जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया ये पापड़ बन रहा है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे और भी कलरफुल पापड़ ऐसे बना के रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले ग्रीन वाला इस तरीके से बना लिया था। अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ ये देखिए इस तरीके से येलो बना रही हूँ देखिए। और बिल्कुल मैं यहाँ पे जलेबी जैसे इसे डिज़ाइन कर रही हूँ। आप छोटा बड़ा जिस हिसाब से आप छोटी जलेबी भी इस तरीके से बना सकती हैं ये देखिए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सभी को ऐसे बना के रेडी कर लेते हैं। और ये पापड़ देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। मार्केट से भी अच्छा पापड़ और एकदम कम इंग्रेडिएंट में आप इसे घर पर ही बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैंने बना लिया। अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करने के लिए कढ़ाई में मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए और इस तरीके की एक थाली रख दीजिएगा। तो अब हम इस बटर पेपर को इस पर रख देते हैं और इसे हम अच्छे से स्टीम करेंगे और इसे ढक करके हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसे स्टीम होने देते हैं। 3 मिनट में ये बहुत अच्छे से स्टीम हो जाता है ये देखिए।
आप देख सकते हैं स्टीम होने के बाद इसका कलर कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो ये बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से हम यहाँ पे सभी को भाप में पका के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अब ग्रीन वाला रख दिया है और इसे भी ढक करके हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। और देख सकते हैं जब मैं इसे छू रही हूँ तो ये बिल्कुल भी फिंगर में नहीं चिपक रहा है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टीम हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक एक करके सभी को अच्छे से स्टीम करके तैयार कर लेती हूँ। तो इस पापड़ को आप बहुत ही कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे कलरफुल पापड़ रेडी हो चुके हैं स्टीम होकर के। तो अब मैं ये देखिए निकाल के दिखा रही हूँ, देखिए ना ही टूटा और ना ही फटा है, बिल्कुल परफेक्ट पापड़ हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे पॉलीथीन सीट पर डाल देते हैं इसे सूखने के लिए। तो एक एक करके मैं यहाँ पे सभी पापड़ को डाल दूँगी। आप यहाँ पर पापड़ को पंखे के नीचे भी रख के सुखा सकते हैं या फिर पापड़ को आप धूप में भी सुखा सकते हैं। धूप में सुखाएंगे तो आपके पापड़ एक दिन में सूख के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से कलरफुल पापड़ जलेबी वाले बना के तैयार कर लिया, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए मैं आपको सूखने के बाद इस पापड़ को दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आता है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने पापड़ को एक दिन की धूप में बढ़िया सा सूखा लिया है और ये देखिए पापड़ का लुक कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पापड़ सूखने के बाद इसके जो साइज होते हैं वो थोड़े से छोटे हो जाते हैं और पतले हो जाते हैं। और देखिए पापड़ कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा पापड़ आप इसे घर पर कम इंग्रेडिएंट में बना के तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर पापड़ है और इसका लुक भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो इस होली पे आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए ये हमारे चावल के पापड़ बन करके तैयार हो चुके हैं कलरफुल, और मैं आपको इसे फ्राई करके भी दिखाऊंगी कि फ्राई होने के बाद भी इसका लुक कितना ज़्यादा सुंदर आ जाता है। एकदम खस्ता क्रिस्पी पापड़ बनते हैं फ्रेंड। तो देखिए कितने सुंदर हमारे पापड़ बने हुए हैं। तो आप इस पापड़ को स्टोर करके रख सकते हैं, आप इसे साल भर इंजॉय कीजिए, फ्राई करके इंजॉय कीजिए। चलिए मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए तो ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा, तो इस तरीके से पापड़ को फ्राई कर लीजिए। देखिए कितने बढ़िया से हमारे पापड़ फ्राई हो रहे हैं, ये देखिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम सभी पापड़ को फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म रहेगा तो आपके पापड़ बहुत अच्छे से फ्राई होंगे। ये देखिए देख सकते हैं फ्राई होने के बाद इस पापड़ का लुक कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, एकदम जलेबी जैसा पापड़ का लुक आ रहा है, ये देखिए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर पापड़ को फ्राई करके तैयार कर लेते हैं और इसके बाद मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि फ्राई होने के बाद हमारे पापड़ किस तरीके से दिख रहे हैं, ये देखिए। तो ये देख सकते हैं हमारे पापड़ कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं फ्राई होने के बाद। तो आप इस पापड़ को चाय के साथ एंजॉय कीजिए या फिर छोटी मोटी भूख में भी आप इस पापड़ को खा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पापड़ को तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी पापड़ बने हुए हैं। यदि आपको ये पापड़ की रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर दिन ऐसी नई नई रेसिपी देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं इसी तरीके की एक और कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।